गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोगों ने मेरा अगर रात का मिडनाइट वीडियो भी देखा होगा, रात को 2 बजे तो मैं वीडियो बना रहा था। क्यों? क्योंकि 2 बजे तक लोगों की कुंडलियां चेक कर रहा था, बहुत पेंडिंग थी जो मैंने प्रॉमिस की थी अभी 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने की, यानी कि कल तक मुझे सब कंप्लीट करना है, ताकि अब जो नहीं आ रही है वो सैटरडे संडे भी मैं करूँ जो नहीं आ रही है। तो इस तरह की डेडिकेशन से काम करता हूँ। और कल आप लोगों को वीडियो में भी बताया था, मैं 3:30 बजे के बाद खाना खाने बैठता हूँ सुबह का, मार्केट को इतना वॉच करता हूँ, 1 मिनट भी उठता नहीं हूँ लैपटॉप से। तो ये तो हो गई वो बात जो मेरी है। दूसरी बात, पहले दिन से एक ही बात बोल रहा था, 10,850 इज माई फर्स्ट टारगेट फॉर दिस सीरीज। और भोलेनाथ ने दिखा दिया कि 10,850 कैसे आना है, हाउ 10,850 विल कम। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि वो बुरा है ये बुरा है, ये सब जिनकी आदत ऐसी होती है उनको भोलेनाथ ऐसे ही लात मारता है, समझे। और जो ईमानदारी से मेहनत से अपना काम करता है और खाली मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, आता कुछ नहीं है, घंटे का बाल जिनको इंसान प्रमोद जैन जैसा होना चाहिए, जो अपने एक बात पे हमेशा टिका रहा। मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिए 1 महीने का, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ और कभी भी चेंज नहीं होता हूँ। और मैंने एक ही वर्ड बोला था कि 10,600 के नीचे एक ही क्लोजिंग हुई है, अभी तक 2 नहीं हुई। हालांकि मेरी बाइंग 10,050 थी, कितनी थी, तो भी मैं 500 पॉइंट के प्रॉफिट में भी स्टॉप लॉस डालने की हिम्मत रखता हूँ कि ये प्रॉफिट मेरे को आए, और वो भी भोलेनाथ ने दिखा दिया। और 10,850 किसी ने सोचा था आ जाएगा इसी सीरीज में, उसको भी छोड़ दीजिए। कल जो रात को 2 बजे मैंने पोस्ट डाला उसमें आपको वो वीडियो दिखाया कि मैंने 3:15 बजे भी ये लिख दिया था कि कल 10,800 के ऊपर निफ्टी जाएगा, कल यानी कि आज, कल 3:15 बजे तो कोई SGX चालू नहीं हुआ था, है ना, और ना कोई डाउ जोन्स इतना प्लस था। तो मैंने उस समय भी लिखा, वो आपको प्रूफ रात को 2 बजे डाला है, और उसको भी छोड़ दीजिए। कल जो वीडियो बनाया 5:30-6 बजे उसमें जो टेक्निकल तरीके से मैंने समझाया, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आज तक यूट्यूब के इतिहास में किसी यूट्यूबर ने अगर इस तरह से टेक्निकल समझाया होगा कि 10,900 उस वो 30 तारीख तक आएगा, और दिस इज माई लॉजिकल रीजन ऐसा दिखा के समझाया होगा, तो आई सैल्यूट हिम 100 टाइम्स। अगर वो टेक्निकली इस तरह से समझाए, वो भी चार्ट को ड्रॉ करके, कि मैं क्यों 10,900 बोल रहा हूं टिल 30th November यानी कि मंथली, कल जबकि 10,727 ना 28 बंद हुआ, तो मैं ये बात कर रहा था कि 10,900 आएगा कल के वीडियो में, और मैंने उसका लॉजिकल रीजन दिया। इसको बोलते हैं स्टडीज दोस्तों। एनीवे मैं कोई गर्व नहीं कर रहा हूं, बट बहुत सारे भौंकने वाले कुत्तों को यह जवाब है। थैंक्स अ लॉट।